कोह सुलेमान पर बारिशों के बायस बरसाती नालों में तुखियानी आ गई। छोटे बड़े नदी नाले बह निकले। मुतादित कबायली इलाकों का राबता मुनकता। सखी सरवर में बरसाती नाले पर छोटे बड़े सब नहाने में मगन। रहीम यार खान ने भी नहरों में नहाने पर पाबंदी की। खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी। इंतजामिया ने चुप सांस ली। मुजफ्फरगढ़, दरियाए चनाब और सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लैया में दरियाए सिंध पर निचले दर्जे का सैलाब। लाला क्रैक में मुतादिद इलाके जेरे आब। बीट गज्जी, बीट खानवाला, अठमार के मुकाम पर रिलीफ कैंप कायम न हो सके। मकीनों को परेशानी का सामना। डीपीओ सादिक अली जोगर का दरियाए सिंध और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस अहलकार तैनात कर दिए। मुल्तान अलखिदमत फाउंडेशन के जरिए एहतमाम दरियाए चनाब में एक रोजा मशकों का आगाज। रेस्क्यू अहलकारों की फाउंडेशन रजाकारों को सैलाबी सूरत हाल से निमटने की तरबियत। कश्ती चलाने, सैलाबी रेले और दरिया में इंसानी जान को महफूज करने से मुतालिक बताया गया। बहावलपुर एंटी नारकोटिक्स का साबिक लीगी एमपीए फौजिया कुरैशी के घर छापा। चार मन चर्च बरामद। साबिक एमपीए के बेटे तैयब अयूब और साथी अदील असलम को गिरफ्तार कर लिया गया। ईद कुर्बा की आमद आमद। मुल्तान में मवेशी मंडियां सजना शुरू। हजूरी बाग रोड पर वाकई बकरा मंडी में बकरों की खरीदों पर रोक जारी। खरीदारों और व्यापारों के माबैन कीमत पर बहसो तकरार। उधर मवेशी मंडी के पेश नजर पुल वलील पर सभी ट्रैफिक जाम। डेरा गाजी खान रुकनाबाद कॉलोनी में सिवरेज सिस्टम नाकार। गंदा पानी जमा होने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन घरों तक महदूद। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। उच्चरीफ हल्का पीपी 254 में तरक्याती कामों का आगाज। पहले मरहले में सिवरेज, सड़कें और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट शामिल। शम्स महल रोड की सिवरेज और सड़क समेत 50 लाख रुपए की स्कीम पर काम जारी। डीपीओ बहावलपुर अमीर तैमूर की जानेब से पुलिस मोबाइल वैन खिदमत मरकज का शेड्यूल जारी। जिला भर के तमाम सर्कल में मोबाइल वैन को कल से फार किया जाएगा। मोबाइल वैन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के कागजात की छानबीन करेगी। डेरा गाजी खान मानका केनाल में गंदगी डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। महकमा एनहार की जानेब से केनाल के अतराफ दुकानदारों और रिहायशी लोगों को नोटिस जारी। उधर मुशीर सेहत हनीफ खान बतापी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इकबाल मजहर महार का डॉट पुल और मानका केनाल का दौरा। सफाई के काम का जायजा लिया। डेरा गाजी खान में वजीर आला पंजाब की हिदायत पर मानका केनाल की सफाई का काम तेजी से जारी। अफसरान की खसूसी ड्यूटियां लगा दी गयी। एसी उस्मान जलील कहते हैं कि मानका केनाल की सफाई का काम दो रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहावलपुर में डेंगू के हवाले से वजीर आला पंजाब के अहकाम पर एक्शन शुरू। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की जानेब से तमाम अफसरान को इकदाम के लिए मरासला जारी। डेंगू के शुबे पर मरीज को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के अहकाम दे दिए गए। एलपीसी एसोसिएशन मुल्तान का जलाई इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन आए रोज जुर्मानों के खिलाफ फट पड़े। चौक नवाज शहर पर बैनर उठाकर नारेबाजी की। डेरा गाजी खान में नून लीग के सेक्रेटरी जनरल सरदार अवैस लगारी के खिलाफ नहरी पानी चोरी करने का मुकदमा दर्ज। सब डिविजनल केनाल ऑफिसर की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में दीगर पांच अफराद भी शामिल। एसएचओ थाना नौशहरा बहावलपुर को शहरी पर मनशियात का झूठा मुकदमा दर्ज करना महंगा पड़ गया। डीपीओ अमीर तैमूर की जानेब से एसएचओ परवेज इकबाल बाजवा और चौकी इंचार्ज गुलाम मुस्तफा मौत्तल, दोनों अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डीजी खान गुलाम रसूल तब्दील। पंजाब हुकूमत की जानेब से नोटिफिकेशन जारी। गुलाम रसूल को सर्विस एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई।
मुजफ्फरगढ़ हेड मोहम्मद वाला के करीब तेज रफ्तार कार की मोटर सवार को टक्कर, एक खातून जांबहाक, दो बच्चियां शदीद जख्मी। जख्मी रेस्क्यू अस्पताल मुंतकिल, पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज। मुल्तान मेन हेड मोहम्मद वाला के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम, दो बच्चियां जांबहाक जबकि दो खवातीन समेत तीन अफराद जख्मी। जख्मियों को निस्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रहीम यार खान ने दोस्तों के मुबैना तशद्दुद से नौजवान जांबहाक मुल्ज़िमान उजैर को जख्मी हालत में अस्पताल छोड़कर फरार। जख्मी उजैर अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल नौजवान के वालिद की मुकदमा के इंदराज के लिए थाना भी डिवीजन पुलिस को दरख्वास्त। कोटद्दू में मुजरे सेहत मिठाई खाने से तीन बच्चियों की हालत गैर, तबी इमदाद के लिए डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चियों की हालत तश्वीशनाक है। शुजाबाद के इलाके मोहनपुर शर्की में पानी लगाने के तनाजे पर दो ग्रुपों में तसादुम, एक खातून समेत चार अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खातून शाहीना, तौसीफ, तनवीर और तैमूर शामिल। पुलिस ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीरे ख़ुराक समीरला चौधरी की हल्के की आवाम से मुलाकात, मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी कराई। वज़ीरे ख़ुराक कहते हैं कि मुल्क के मौशी बहरान पर जल्द काबू पालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर खान तरीन की लोधरा आमद, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकात, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। अली तरीन फॉर्म पर काश्त की गई फसल की का मुआयना भी किया। मुल्तान पाकिस्तान सराइकी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास, हुकूमती कारकर्दगी जांचने के लिए अवामी रेफरेंडम कराने की हिकमत अमली तैयार करने का फैसला। इजलास में मरकजी सदर अल्लाह नवाज नैन, जनरल सेक्रेटरी अकबर अंसारी की शिरकत। मुल्तान में साबिक वफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ का अहतमाम। सिकंदर हयात बोसन का गुजश्ता रोज गुर्दों का ट्रांसप्लांट हुआ था। अहले इलाका सिकंदर हयात बोसन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को। कस्बों पर लिखे अशार, जहां हालात का मातम करते हैं वहीं बोलती तहरीरें भी जगह जगह नजर आती हैं। गम और इजहार को अल्फाज की जबान देने वाले हसन परवाना रोड पर मोहम्मद इरफान ये काम 20 सालों से कर रहे हैं। इरफान कहते हैं कि वो पिछले माश के साथ साथ खानदानी फन को भी जिंदा रखना चाहते हैं। मुल्तान में अगस्त से पहले ही शहर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। शाहीन मार्केट में 14 अगस्त की अशिया के स्टॉल सज गए। शहरी 14 अगस्त से पहले ही तैयारियों में मशगूल। और शदीद गर्मी के बावजूद बहावलपुर चिड़ियाघर की रौनकें बरकरार, बच्चे बड़े और फैमिलीज का रश। बच्चों, बड़ों और खवातीन ने अपनी अपनी पसंद के जानवर देखे। कुछ लोग घर से खाना भी बनाकर लाए। फुर्सत के लम्हे यादगार बनाते रहे।